नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्टेन स्वामी की मौत का देश भर में विरोध, एल्गार के अन्य आरोपितों ने जेल में की भूख हड़ताल। दिल्ली कोलकाता में पेट्रोल 100 के पार, विपक्ष का सरकार पर निशाना। भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत, नहीं रहे हमारे शहजादे सलीम, नहीं रहे दिलीप कुमार। हमारी चौथी खबर है खोरीगांव से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक महीना पूरा, निवासियों को हटाने की कार्रवाई तेज। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 43,733 नए मामले, 930 मरीजों की मौत। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की 5 जुलाई को अस्पताल में हुई मृत्यु को नागरिक अधिकार संगठनों और अन्य प्रगतिशील संगठनों ने संस्थागत हत्या करार देते हुए देश भर में विरोध करते हुए क्रूर UAPE कानून को हटाए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई की तलोजा जेल में भीमा कोरेगांव मामले के अन्य 10 आरोपितों ने एक दिन की भूख हड़ताल करते हुए स्वामी की मौत को संस्थागत हत्या करार देते हुए NIA के अधिकारियों और जेल के पूर्व जेलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आरोपितों का कहना है कि स्वामी को जानबूझकर उनके परिवार से अलग रखा गया और उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए उनकी उचित देखभाल नहीं की गई। स्वामी को पिछले साल UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 84 साल के थे। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब भी अदालत ने उन्हें जमानत न देते हुए 28 मई को अस्पताल में भर्ती किए जाने को कहा, जिसके बाद वे 4 जुलाई को वेंटिलेटर पर आ गए और 5 जुलाई को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रदर्शन में रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर धावले, महेश राउत, अरुण फरेरा, वर्नॉन गंजाल्विस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, रमेश गायचौर और सागर गोरखे शामिल थे, जो भीमा कोरेगांव मामले में ही जेल में बंद है। इस दौरान मंगलवार को अमेरिका की एक एजेंसी ने खुलासा किया कि रोना विल्सन के अलावा सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर से जो खत मिले हैं उन्हें एक वायरस के जरिए प्लांट किया गया था। इससे पहले इस एजेंसी ने बताया था कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में भी सबूत प्लांट किए गए थे। इन सबूतों के बाद से भीमा कोरेगांव के मामले की सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने स्टेन स्वामी की मौत पर दुख जाहिर किया और भारत से गुजारिश की है कि वह बिना उचित सबूतों के गिरफ्तार किए गए कैदियों को रिहा करे। देश में बुधवार 7 जुलाई को पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए गए, लिहाजा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गई। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे पर बिका। यह मंगलवार की कीमत से 35 पैसे अधिक है। डीजल की कीमत भी 17 पैसे बढ़कर 89 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 4 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतें 35 बार बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में राजधानी दिल्ली समेत 200 शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार चली गई हैं। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को गरीब जनता की परवाह नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की सोच रही है और आम जनता को नोच रही है। सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि BJP को डायन महंगाई भी अप्सरा नजर आने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर उसने 25 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकालकर अपने खजाने में भर लिए हैं। अकेले इसी महीने इनके दाम 4 बार बढ़े हैं। जब से दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 52 पैसे बढ़ी है, वहीं डीजल की कीमत 9 रुपये 65 पैसे का इजाफा हुआ है। PPCL, HPCL और इंडियन ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर रोजाना कीमत तय करती है। मुंबई में पेट्रोल डीजल की लागतें सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पेट्रोल 106 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, वहीं डीजल की कीमत 97 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की डीजल की कीमतों का अंतर दोनों जगहों पर लगने वाले टैक्स और वैट में अंतर की वजह से है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रही है। भारतीय उपमहाद्वीप और सिनेमा के सबसे मशहूर मारूफ दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार हमारे बीच में नहीं रहे। आज बुधवार सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे।
अमिताभ बच्चन ने उनके लिए सही ही कहा है कि भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगा। अपनी लाजवाब अदाकारी से भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता का बुधवार की सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने यह जानकारी दी। दिलीप कुमार का एक पुराना नाम यूसुफ खान था। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा लिखती है कि कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। बहुत लोग ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो यही सच है कि उनका असली नाम दिलीप कुमार ही था। देश दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है, तो यही उनका असली नाम कहा जाना चाहिए, भले ही स्कूली या घर का नाम यूसुफ खान रहा हो। इसके अलावा उनका दूसरा नाम ट्रेजेडी किंग। जी हाँ, दिलीप साहब हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे। इसके अलावा अगर कोई तीसरा नाम था या हो सकता है तो वह है शहजादा सलीम। जी हाँ, मुगले आजम का शहजादा सलीम। अगर इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने अकबर के किरदार में जान डाली थी तो दिलीप कुमार ने पर्दे पर सलीम का किरदार जिंदा कर दिया था। 98 वर्ष के दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। वह पिछले मंगलवार से यहाँ स्थित हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती थे। उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी गई कि अभिनेता का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे सांताक्रूज मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में किया जाएगा। फरीदाबाद के खोरी गांव से निवासियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज 7 जुलाई को 1 महीना पूरा हो गया। 6 जुलाई की दोपहर से ही वहां बुलडोजर मौजूद थे और नागरिकों द्वारा ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासन बल प्रयोग करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों को बिना किसी और जगह की व्यवस्था करे ही 6 हफ्ते में गाँव खाली करने का आदेश दिया था। खोरी गांव के निवासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के अलावा आज हरियाणा भवन में उन्होंने हरियाणा सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की। साथ ही नागरिकों का यह भी कहना है कि पुलिस उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही है और जेल में डाल रही है। देखिए न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो 7 तारीख से ही ऑर्डर आए हैं उसके बाद से ही इन लोगों ने हम पब्लिक को इतना डराना शुरू कर दिया है कि प्रोसीजर यही रहता है इनका कि आए दिन पुलिस जिप्सी और ये लाउड स्पीकर लेके अनाउंस करना, ये सब करना इनका शुरू से रहा है, जिससे पब्लिक आधे से ज़्यादा डर कर कुछ लोगों ने घर खाली किए। मैं हमारे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा कि हमें डंडे से भी मार रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि हमें रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपना दुखड़ा कहीं ले कर जाएँ तो कहाँ जाएँ। सर, कल तो ऐसा हालत हम लोगों के सर पे समझ लो तलवार रख दिया गया था, पर कल किसी कारण वापसी चला गया। बुलडोजर लैंड हमारे सर पे खड़े थे करीब 17-18, और उसके साथ मलबा के गाड़ी भी लेकर के आए थे। शाम को वो रिटर्न चला गया, तब कुछ हम लोगों को राहत मिली है। पर हम लोगों को सरकार से डिमांड इसी बात का था कि भाई सर्वे किया जाए, तक नहीं कीजिएगा आपको क्लियर कहीं भी नहीं आएगा कि कौन आपका उसमें आ रहे हैं, कौन आपके जोन से बाहर जा रहे हैं, कौन कब आया है, कौन नहीं आया है। इसीलिए सर्वे का डिमांड किया जा रहा था हम लोगों तरफ से। वो जो है पुलिस प्रशासन से करवा रहे थे सर्वे, इसी बात के लिए हम लोग बोला नगर निगम से ज्वाइन जो अपना पंच है उसके साथ सर्वे किया जाए। जो आज जो महापंचायत थी उसमें सारे लोग एकत्रित हुए थे। ये भीड़ को देख करके सरकार ये अंदाज़ा लगा चुकी है कि अब खोरी गांव के निवासी न डरते हैं, न डरेंगे और न यहाँ से भागेंगे। वो अपने हक के लिए जहाँ झुकी वहीं मकान, ये लड़ाई जारी रखेंगे। लड़ रहे हैं सरकार से, जहाँ झुकी वहीं मकान, ये नारा हमारा है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 7 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 930 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज फिर से 400 के करीब यानी 395 मरीजों की मौत हुई है। वहीं केरल में 24 घंटों में 142 मरीजों की मौत हुई है। साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 47,240 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 4,437 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,06,63,665 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,04,211 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.18% यानी 2 करोड़
97,99,534 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.49% यानी 4,59,920 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 36,13,23,548 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 36,05,998 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.